नमस्कार एसटी अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है। अभी तक की बड़ी खबरें कुछ इस प्रकार हैं। पीएम मोदी ने अमित शाह को उनके 60वें जन्मदिवस पर दी शुभकामनाएं, की असाधारण प्रशासक की सराहना। काउंटर इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई, कश्मीर घाटी के कई हिस्सों में की छापेमारी। जम्मू कश्मीर पुलिस काउंटर इंटेलिजेंस ने पूरे कश्मीर में 10 थानों पर ली तलाशी, 14 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और आपत्तिजनक सामग्री हुई बरामद, 7 संदिग्ध गिरफ्तार। डॉक्टर शाहनवाज डार के आवास पर पहुंचे सीएम उमर अब्दुल्ला, परिवार को दिया हर संभव मदद का आश्वासन। 20 अक्टूबर को गांधरबल के गगनगिर इलाके में आतंकियों द्वारा मारे गए थे डॉक्टर शाहनवाज। आतंकी हमले का शिकार हुए शशि भूषण अबरोल को अंतिम विदाई देने पहुंचे जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी, परिवार के साथ व्यक्त की संवेदना। पुंछ की सीमा में फिर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, भारतीय सेना ने की गोलाबारी। गांधरबल आतंकी हमले में मारे गए जम्मू के शशि अबरोल के घर पहुंचे सांसद जुगल किशोर शर्मा, परिवार के साथ व्यक्त की संवेदना, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। एयर इंडिया सहित 30 फ्लाइट्स को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, जांच शुरू। गांधरबल में आतंकी हमले में मारे गए 2 मजदूरों के पार्थिव शरीर को पहुंचाया गया पटना, वहां से पैतृक स्थान के लिए हुए रवाना। एनआईए ने पंजाब आतंकी साजिश मामले में खालिस्तानी आतंकियों के मुख्य सहयोगियों के खिलाफ दायर किया आरोप पत्र, कार्रवाई जारी। तो ये थी अभी तक की कुछ बड़ी खबरें, और खबरों के लिए देखते रहें स्टेट टाइम्स।